छह माह से खुदी पड़ी सड़क, लोग हुए परेशान। देल मातृभूमि न्यूज। देल से गणेशपुरा सड़क मार्ग पर निर्माण कार्य के लिए संवेदक द्वारा सड़क को खोदकर छोड़ने के कारण लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। इस सड़क मार्ग पर खुदाई के बाद जगह जगह पर बड़े बड़े गड्ढे हो गए हैं, जिनके कारण सड़क मार्ग से गुजरने वाले लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। वही बरसात होने पर दुपहिया वाहन चालक गड्ढों में पानी भरने के बाद फिसलकर चोटिल हो रहे हैं। बावजूद इसके जिम्मेदारों द्वारा समस्या पर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। सड़क मार्ग पर कई बार वाहन पलट चुके हैं। आए दिन छोटी मोटी दुर्घटनाएं घटित हो रही है, जिससे लोगों में रोष व्याप्त था। लोगों ने शीघ्र सड़क निर्माण की मांग उठाई है, जिससे लोगों को समस्या का सामना नहीं करना पड़े। रोडवेज बसों की कमी से यात्रियों को झेलनी पड़ी परेशानी। देल मातृभूमि न्यूज। कस्बे से कोटा बूंदी जयपुर टोंक सवाईमाधोपुर जाने वाले यात्रियों को मंगलवार को बसों की कमी का समस्या का सामना करना पड़ा। रोडवेज बसों की कमी व शादी विवाह के सावे होने से बसों में जगह नहीं मिलने से यात्रियों को परेशानी का सामना करना पड़ा। कई लोगों को निजी टैक्सी किराए पर लेकर अपने गंतव्य पर जाना पड़ा। नीलू जानगिर उमा जानगिर ने बताया कि कोटा जाने के लिए 4 घंटे के इंतजार के बाद वापस घर लौट गई। कहीं को समय पर पहुंचने के लिए ज्यादा रुपए खर्च कर निजी टैक्सी किराए पर कर जाना पड़ा। बजरंग लाल साहू, विनोद जैन, रवि जैन, संजय दीवाना ने रोडवेज प्रबंधन से नई रोडवेज बसें चलाने की मांग की है। बस में जाने के लिए यात्री नगर पालिका के सामने बस स्टैंड पर धूप में खड़े रहे। यहां पर यात्रियों के लिए छाया व बैठने की अच्छी व्यवस्था नहीं होने से धूप में खड़ा रहना पड़ा। यहां पर नैनवा रोड पर नया बस स्टैंड बनाया गया था, जहां पर सभी सुविधाएं मौजूद है, लेकिन बस स्टैंड का सुचारू रूप से संचालन नहीं होने से अब नया बस स्टैंड जीर्ण शीर्ण होने लगा है। विद्यालयों में विद्यार्थियों के शैक्षिकी स्तर का अवलोकन किया। देल मातृभूमि न्यूज। कस्बे सहित फुलेता बावड़ी के विद्यालयों में मंगलवार को शिक्षा विभाग उपनिदेशक कोटा शशि मीणा ने शैक्षिकी स्तर का अवलोकन किया। उपनिदेशक शशि मीणा ने राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय फुलेता, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय देल, राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय बागरिया बस्ती देई व राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय बावड़ी का अवलोकन किया गया। अवलोकन में मीना ने बच्चों का शैक्षिकी स्तर जांचा गया, जिसमें बच्चों के शैक्षिकी स्तर अच्छा मिला। उसके बाद स्टाफ की बैठक में बालिका शिक्षा व सुरक्षा एवं शैक्षिकी नवाचार हेतु प्रयास पर जोर दिया। इस दौरान राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय देई प्रधानाचार्य महेश मीना व राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय बावड़ी प्रधानाध्यापक कन्हैयालाल वर्मा एवं सहित विद्यालय स्टाफ मौजूद उपस्थित रहे।